नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन में। हमारी जो डाइट की सीरीज चली हुई थी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बीच में कुछ दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा बिजी चला हुआ था। तो आज हमारा 18th डे है, 18वां दिन है। अभी जो आगे जो हम 4-5 दिन की जो वीडियो हम देखने वाले हैं, जो मैं बनाने वाला हूँ, वो थेरेपेटिक डाइट की होंगी। मतलब अगर आपको शरीर में कोई बीमारियाँ हैं तो आप उन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई बीमारियां नहीं हैं तो आप पहले जो सारे स्टेप बताए हैं उन सारी चीज़ों उनसे सबसे वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी कोई बीमारी हो चुकी है आपको, कोई बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है, थायराइड हो गया है, कोई भी बीमारी हो गई है, तो वो बीमारियाँ ठीक करने के लिए आगे जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ उन सबको आप फॉलो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है, आज का जो स्टेप है, वो है फास्टिंग। मतलब जो उपवास रखते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास का जो उपयोग किया जाता है, एक थेरेपी की तरह किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा या जो नेचुरल थेरेपीज हैं, वो ये कहते हैं कि शरीर के अंदर बीमारियों को ठीक करने की ताकत है, हम रोके हुए हैं उसको। मतलब जैसे कोई चोट लग जाती है तो बॉडी की अपनी एक सेल्फ हीलिंग पावर है, तो उसके लिए आपको कोई खास, अगर आप उस हीलिंग एनर्जी को यूज करना शुरू कर दें, उसको प्रॉपर सिस्टम को आप समझ लें, तो आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बाहर की किसी मेडिसिन की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इमरजेंसी केस में या क्रिटिकल केस में ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है बहुत सारी दवाइयां भी चली हुई भी हों कोई बीमारी की आपकी, तो उनको नहीं छोड़ना। तो पहले क्या करना है, जो चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ पहले वो करें। धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी ठीक होती जाए, डॉक्टर की सलाह के साथ धीरे धीरे दवाइयों को आप कम करते चले जाएँ और लास्ट में छोड़ दें। कोई भी बीमारी हो, फॉर्मूला यही है जो मैं स्टेप बताऊंगा, आप किसी भी बीमारी में अप्लाई करेंगे तो काम करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक बीमारी के लिए मैं कोई और अलग नुस्खा बताऊंगा, नुस्खे नहीं। जो नेचुरल तरीका है, जो प्राकृतिक तरीका है शरीर को ठीक करने का, सेल्फ हीलिंग का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज का जो पहला स्टेप है वो है फास्टिंग। तो फास्टिंग का उपयोग कैसे करना है, नॉर्मली अपने इंडियन कल्चर में फास्टिंग का उपयोग किया जाता है। कभी वीक में एक बार कर लेते हैं, कई लोग महीने में एक बार कर लेते हैं, कोई तीज त्यौहार पर, कुछ अलग अलग ओकेजन्स पर फास्टिंग प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन वो हमारा सिस्टम फास्टिंग का तो ठीक था, लेकिन हमने उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया, अपने हिसाब से हम उसमें जंक खाना शुरू कर दिया है, वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो हमें जो फास्टिंग उपयोग करनी है, पूरा दिन भूखा रहना बड़ा मुश्किल होगा, कई लोगों को डर लगता है, किसी का शुगर लो हो जाएगा, किसी का बीपी लो हो जाएगा। तो हमें जो फास्टिंग का जो उपयोग करना है वो क्या करना है, हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। मतलब हर रोज़ फास्टिंग करनी है। अब हर रोज़ फास्टिंग का कैसे उपयोग करना है, हमें 16 आवर का फास्ट हर रोज़ करना है। जिनको बीमारियाँ हैं, अगर बीमारी नहीं है तो आप नॉर्मल जो हेल्दी डाइट टिप्स मैंने सारी बताई हैं वो आप अप्लाई करेंगे तो भी बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अगर बीमारियां हो गई हैं तो इस फास्टिंग का उपयोग आप कर सकते हैं। सारी बीमारियों का कारण एक ही है, शरीर में टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, इम्यूनिटी का लो हो जाना या न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। आप पहले जितने भी मैंने डाइट टिप्स दिए हैं उन सबको फॉलो करेंगे तो न्यूट्रिशन की कमी आप में नहीं रहेगी, इम्यूनिटी आपकी हाई रहेगी। रहे टॉक्सिन्स, शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हैं उनको रिलीज करने के लिए, उनको वहाँ से निकालने के लिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का उपयोग करेंगे। वेट लूज़ करने के लिए आप, मतलब मोटापा अगर हो गया है तो उसको, फैट को कम करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का उपयोग कर सकते हैं, और बाकी सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर सकते हैं। तो सिद्धांत ये है कि आपका शरीर एक बार में एक ही काम कर सकता है, वो या तो बीमारियों को ठीक करेगा, मतलब हीलिंग करेगा, या फिर आपके फूड को डाइजेस्ट करके वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और आपको ताकत प्रदान करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं अच्छे से, दूसरा खाना खा लिया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, तीसरा खाना खा लिया, ऐसे करके हम अपने पेट को रेस्ट ही नहीं देते। मतलब जो हीलिंग का जो टाइम है, जो बीमारियां ठीक करने के लिए जो थेरेपी का टाइम है, वो मिलता ही नहीं हमें। और पूरे शरीर का जो इंजन है वो हमारा पेट है, सारी बीमारियाँ पेट से शुरू होती है। पेट आपके दिमाग के ऊपर भी असर करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी असर करता है, आपके हॉर्मोन्स पर भी असर करता है, आपके बोन्स, ज्वाइंट, मसल्स, हर चीज़ यहीं से निकलती है। जो आप खाते हैं उसी से आपका शरीर बना हुआ है, अन्नमय कोष इसको योग में बोला हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, आज क्या हर रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि 16 आवर तक आप बीच में कुछ नहीं खाएंगे। मतलब कुछ नहीं खाने का मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपने रात को 7 बजे डिनर किया है, तो अगले दिन आपको
11 बजे कुछ खाना है, बीच का जो टाइम है उसमें अपने पेट को टाइम देना है कि वो जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर सके और उसके बाद वो उस एनर्जी से अपने शरीर को हील कर सके, बीमारियों को ठीक कर सके, शरीर की थेरेपी वो कर सके। तो लेकिन कई बार क्या होगा कि शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, शुरुआत में जो 16 आवर है वो डिफ़िकल्ट होगा। तो पहले दिन आप 16 आवर ना करें, पहले आप नॉर्मल चेक करें कि आप रात को कितने बजे खाते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में कितने बजे आपको भूख लगती है। टाइम देख के तो खाना ही नहीं, भूख लगने का वेट करना है मॉर्निंग में। जैसे रात को आपने डिनर किया 7 बजे, तो ब्रेकफास्ट के लिए आपको भूख लगी सुबह 9 बजे, तो 7 से 9 तक 14 आवर तो वैसे ही हो गए आपके। अभी तो क्या है कि हम टाइम देखकर खाना खा लेते हैं कि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अब डिनर का टाइम हो गया, लेकिन आपको असली भूख का वेट करना है। जब असली भूख लगे तब आप खा लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आवर का गैप आपको बीच में चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रहे, जब आप डिनर किया है तो उसके बाद कुछ नहीं, तो मतलब कुछ नहीं खाना, खाली पेट मतलब खाली पेट। शाम को 7 बजे कुछ खाया है तो उसके बीच में कुछ नहीं लेना, आपको दूध नहीं लेना, कोई चीज़ नहीं लेनी। और पानी आप पी सकते हैं, पानी आप खूब सारा पी सकते हैं, क्योंकि पानी को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, पानी तो खुद क्लीन करता है चीज़ों को। तो आप पानी आप पी सकते हैं बीच में, बाकी कोई चीज़ नहीं आपको पीनी। मॉर्निंग में आपको मान लीजिए फिर भूख लगी 8 बजे, तो 11 घंटे आपके हो गए। उसके बाद आप अगले दिन कोशिश करें 8 बजे के बाद आधा घंटा या आधा घंटा बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, या 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। अगले दिन आपको 9 बजे खाना खाना है, मतलब जो ब्रेकफास्ट आप भूख आपको 8 बजे लग गई लेकिन आपको खाना है 9 बजे, 1 घंटा थोड़ा सा बढ़ा देना है। बाकी रात के टाइम तो हम सोए हुए होते हैं, उस टाइम इतनी भूख हमें महसूस नहीं होती। बीच में क्रेविंग उठें तो आप पानी पियो, कुछ भी भूख लगे तो पानी पियो 1 गिलास, और कुछ नहीं करना। धीरे धीरे इस टाइम लिमिट को बढ़ाते जाना है, फिर अगले दिन 9 बजे खाना है, फिर 1-2 दिन 9 बजे तक चलना, वहाँ कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर आप धीरे धीरे 10 बजे खाना शुरू कर दें, 10 बजे कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर 11 बजे खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे करके जो टाइम गैप है हमें, जो टाइम लिमिट है हमारी, वो 16 आवर का एक टाइम पीरियड और 8 आवर का एक टाइम पीरियड, 24 घंटे पूरे दिन में होते हैं। तो जो कुछ भी आपको खाना है उस 8 घंटे में आप खा सकते हैं, वो भी हेल्दी। 8 घंटे का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप खा सकते हैं, जो पहले सब कुछ बताया मैंने, फ्रूट सलाद और सारी चीज़ें, वो खाएं 8 घंटे के अंदर, और बाकी 16 घंटे आप खाली पेट रहें। उसके बाद आप देखेंगे कि शरीर में कुछ चेंजेज होने शुरू हो जाएंगे, वेट कम होना शुरू हो जाएगा आपका, आपका डाइजेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी हेयर स्किन की जो हेल्थ है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी, हेयर की क्वालिटी ठीक होना शुरू हो जाएगी। 16 घंटे हर रोज़ खाली पेट रहना है। अभी क्या है, अभी तो हमारी बॉडी टॉक्सिन से लड़ती रहती है, पूरे 24 घंटे बस लड़ाई ही चली हुई है, और ऊपर से फिर हम फूड भी ऐसा, खाना भी हम ऐसा खा रहे हैं जो कि बॉडी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो भी एक और लड़ाई फिर फूड को डाइजेस्ट करने में भी शुरू हो जाती है। इधर बीमारी से भी लड़ रही है, इधर डाइजेशन भी हमारा इतना वीक हो गया है, खाना भी हम ऐसा खा रहे हैं कि वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रही, इतना हार्ड हम फूड खा रहे हैं। तो क्या है कि हम धीरे धीरे बीमार होते जा रहे हैं, फिर हम डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, फिर हम भगवान को, भाग्य को, फिर हम समझना शुरू कर देते हैं कि बीमारियां तो सभी को होती हैं, क्योंकि हर किसी के साथ यही हो रहा है, तो इस ट्रैप में हर कोई फंसा हुआ है। तो अभी आप कोशिश करें इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस करने की, बीच में कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। हाँ, अगर मॉर्निंग में अगर आपको कुछ पीना है इस 16 घंटे की पीरियड में, अगर कुछ पीना है तो आप नारियल का जूस पानी पी सकते हैं, या किसी सब्जी का जूस पी सकते हैं, या फिर सफ़ेद पेठे का जूस पी सकते हैं, मतलब डिटॉक्सिफाइंग कोई चीज़ आप ले सकते हैं जो आपके शरीर को साफ करे, जो मेडिसिन की तरह काम करे, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। बाकी अपने रूटीन को आप धीरे धीरे सेट करेंगे, ऐसा नहीं कि 16 घंटे, आप चाहे 1 महीने में शिफ्ट हो 16 आवर के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे आधा आधा घंटा बढ़ा के धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, आप खुद ही 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी शरीर, आपको हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, बीमारियां, बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, शरीर को खुद को ठीक करने का टाइम मिला है। तो आज का बस यही था, इंटरमीडिएट फास्टिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करें आज से ही, आज मतलब कल से ही, जब वीडियो देखें अगले दिन से ही शुरू कर दें। पहले नॉर्मल अपना टाइम देख लें कि क्या पीरियड है, कितने देर तक आप नॉर्मल भूखा रह सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना शुरू करें और इसको 16 आवर तक लेके जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मॉडर्न फिटनेस में भी प्रैक्टिस की जाती है और पुराने टाइम पर भी उपयोग की जाती थी।
जो गांव का जो कल्चर था पहले, गांव में जो लोग थे ऐसे नहीं कि ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट का पता ही नहीं था, सीधा वो लंच के आसपास ही भूख लगती थी, उस टाइम खाना खाया और वो फिर खेत में चले जाते थे, खूब सारी मेहनत करते थे, फिर शाम को आके खाते थे। तो उनका वैसे ही इंटरमीडियंट फास्टिंग हो जाती थी और कोई फैट नहीं होता था, इतनी मेहनत करते थे, इतना घी भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, सब डाइजेस्ट हो जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो सारी चीज़ें खानी हैं, खाना आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से खाना था खाना है, क्योंकि फिजिकल वर्क उस टाइम पर कुछ अलग था, अब कुछ और है। अब हम सारा दिन बस घर में बैठना उठना, इधर से उठ के उधर बैठ गए, उधर से उठ के उधर बैठ गए, इतना ही काम है हमारा। तो आज की टास्क इतनी ही थी और इसी को उपयोग करना शुरू करें, अगले दिन से ही शुरू कर दें, पहले समझ लें फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना शुरू कर दें अपने टाइम पीरियड को। इंटेंट फास्टिंग का मतलब है 16 आवर का फास्ट हर रोज़ करना, 8 घंटे में के टाइम पीरियड में खाना खाना और 16 घंटे सेल्फ हीलिंग के लिए अपने पेट को, अपने डाइजेशन को आराम देना। धीरे धीरे इसकी आपको आदत हो जाएगी, जैसे जैसे आदत होगी तो आपको पहले से भी ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाएगा। असल में हमें क्या हो गया, अभी हमारी जो क्रेविंग्स हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, एक टाइप से हमें हैबिट हो गई, सिर्फ आदत हो गई, हमें भूख नहीं होती, हमें टाइम देख के खाने की आदत हो गई है, तो बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो धीरे तो चीज़ों को बदलने में टाइम लगेगा, इस चीज़ को समझें और धीरे धीरे परिवर्तन करना शुरू करें। इंटरमीडियंट फास्टिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी बीमारियाँ ठीक होंगी, बीपी शुगर नॉर्मल सब होना नॉर्मल शुरू हो जाएगा। अपने आहार का भी ध्यान रखें, जो 8 घंटे में खाना है उसका भी ध्यान रखें, उसके ऊपर मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है, आज से जितने भी पहले के दिन हैं वो सब उसी के बारे में, क्या खाना कैसे खाना चबा के खाना, उन सारी चीज़ों को भी देख लेना और इस चीज़ को शुरू करें। उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस हो मेरे साथ शेयर करें और दूसरों को भी आप ये चीज़ इस ज्ञान को फॉरवर्ड करें, दूसरों को भी आप समझाएं, वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, खुद बता सकते हैं, कोई सजेशन हो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति।